आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी बनने वाले पराठे। ये सुबह के नाश्ते में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। सबके घरों में बनते होंगे, लेकिन आज हम आपको इसकी रेसिपी बना के दिखाते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। ये मैंने रात को मूंग दाल बनाई थी धुली हुई, ये मेरे पास बच गई है, लेकिन मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई थी क्योंकि मैंने पराठे बनाने थे और इसमें मसाले और तड़का वगैरह भी लगा हुआ है। अब एक बड़े से बाउल में हम गेहूं का आटा डाल लेंगे। आपको जितने पराठे की ज़रूरत हो उतना आटा डाल लें। ये मैं थोड़ा सा ऊपर से मक्की का आटा डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल लो, नहीं तो रहने दो, या इसकी जगह पर बेसन भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें एक प्याज को बारीक काट के डाल दिया, 3 से 4 हरी मिर्ची को बारीक काट के डाल दिया, थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें और मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा दाल में अच्छे से डाला हुआ है तड़का वगैरह। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें दाल डाल के आटा गूंद लेंगे, एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। दाल को एक बार में ही ज़्यादा ना डालें, अगर दाल कम लगे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अकेली दाल से ही आटा गूंद रही हूँ। अकेली दाल से आटा गूंदने से पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और स्वादिष्ट तो बनते ही हैं, तो मैं इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ जिस दिन पराठे बनाने होते हैं। ये देखिए एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लिया हमने। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे ढक कर रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं हमारे आटे को रखे हुए। अब इसे एक बार ऐसे हाथ से मसल लेंगे, ये पहले से भी और थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है क्योंकि इसमें प्याज भी डाला था हमने, वो पानी छोड़ देता है। अब एक मनपसंद लोई तोड़ के तैयार कर लेंगे, जितना आपने बड़ा पराठा बनाना हो उतना बना सकते हैं। पराठा बनाने का ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन सी शेप बनाए, जो भी आपको पसंद हो वही शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। एक बार इस तरह से फ्लैट कर लेंगे और बीच में थोड़ा सा घी लगा देंगे। दाल वाले पराठे हैं बिना घी के भी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन 1/2 टीस्पून घी लगा ले तो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अब मैं इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो इस तरह से चारों तरफ से हम फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बेल लेंगे। इस तरह से इसे चकले बेलने से सॉफ्ट हाथों से इसे बेल लेंगे, क्योंकि आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट है तो इसमें ज़्यादा ज़ोर से ना बेलें, अगर गीला लगे तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं। इसको 4 से 5 घंटे रख दो तो भी ये सॉफ्ट ही रहते हैं। इस तरह से हम पराठे बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो एक पराठा बेल के साथ में ही सेक सकते हैं और दूसरी तरफ पराठा बेल सकते हैं। तवे को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, दोनों तरफ से थोड़ा सा घी लगा के इसे अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। मैन के ऊपर घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घी लगाने से इसमें पराठे में बहुत ही अच्छी सी महक हो जाती है और ये थोड़े से क्रिस्पी भी बन जाते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लें। ये देखिए हमने एक पराठा बना लिया है, इसी तरह से बाकी के पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
ये चाहे तो एक साथ ही सारे पराठे बना के रख लो और बाद में इकट्ठे बैठ के खा लो, तो भी ये हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट ही रहते हैं क्योंकि हमने इसमें खूब सारी दाल डाली है। अगर दाल कम डालें और साथ में पानी डालें तो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। इसी तरह से सारे पराठे सेक लेंगे हम और इसे दही अचार या मक्खन के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार हो गया हमारा और ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। हम इसे दही के साथ सर्व करेंगे। दही, ये मक्खन, ये मैंने एक अचार का पीस रख दिया। हमारा टेस्टी हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो गया, तो आप भी इस तरह से बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।